अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैंक रोड स्थित एक मैरिज हॉल में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के अंदर 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता प्रदान की थी। उन्होंने कहा, दुनिया के सभी देश आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं तथा योग साधना करते हैं। उन्होंने कहा, जनपद में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ ने योग को स्थापित किया था। योग एक साधना है तथा लोगों को स्वस्थ रखने के लिए योग महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, योग को अपने जीवन का अंग बनाएं तथा एक घंटा निकालकर योग साधना करें और स्वस्थ रहें। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, बच्चा पांडे, सिद्धांतो घोष, परमानंद शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, पवन मुक्तासन करा देते हैं, आप बैठे कराइए, करो खड़े दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए और नाभि से 2 इंच नीचे ले जाइए, अपने दोनों मुट्ठियों को रखिए। ये शुगर के लिए और सांस खींचते हुए आगे की तरह झुकना है और नजरें एकदम ऊंची रखनी है, सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है। दूसरा आसन पवन मुक्तासन का है, उसको फोटो ऊपर आएगा, आकाश की तरफ देखिए। सबसे पहले भस्त्री का प्राणायाम करेंगे। इसमें करते क्या है, सांस पहले लंबी खींचेंगे और झटके के साथ बाहर छोड़ेंगे। दोनों हाथों को रोकेंगे और जब अकेलियाँ गर्म हो जाए तो आंखों से स्पंदन होगा। ये प्रक्रिया 3 बार होगी। योगाचार्य की भी भूमिका में आप सभी देखे, लगातार हम सभी को एक
अपने लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। योग सिखाने में जिनकी काफी भूमिका रही है, श्री अतुल जी आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस योग दिवस के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी महानगर के सभी पदाधिकारीगण, क्षेत्र के सभी पदाधिकारीगण और दीनदयाल नगर मंडल के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री सिद्धांत घोष जी एवं इस दीनदयाल नगर मंडल के सभी प्रमुख कार्यकर्तागण आप सभी योग दिवस के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के का जो विजन था, उन्हीं के विजन से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ है जो 21 जून है। आज के दिन पे आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद। हमारे गोरखपुर महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष सम्मानी राजेश जी, इस योग दिवस में जिन्होंने विभिन्न योग क्रियाओं के माध्यम से हम सबको कुछ सीखने का अवसर प्रदान किया, ऐसे सम्मानीय अतुल जी, हमारे गोरखपुर महानगर के महामंत्री और इस योग दिवस कार्यक्रम के संचालक सम्मानीय अच्युतानंद शाही जी, हमारे गोरखपुर महानगर के सभी लोकप्रिय पदाधिकारी बहनों भाइयों, ये जो मंडल है दीनदयाल नगर मंडल, इसके अध्यक्ष सिद्धांत घोष जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी बहनों भाइयों, योग दुनिया को हमारे ऋषि मुनियों की देन है और भगवान शंकर की योग साधना और शिवावतारी गुरु गोरखनाथ जी ने योग की महत्ता को पूरे दुनिया में प्रतिष्ठापित करने का कार्य किया। और जब हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दुनिया के 177 देशों के साथ मिलकर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को प्रतिष्ठापित करने का काम किया, अगर ये यूँ कहें तो गोरखपुर योग की दृष्टि से गोरखपुर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो शिवावतारी गुरु गोरखनाथ जी की साधना स्थली है। और इसलिए योग आज दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रतिष्ठापित करने का काम जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, हम सब आप सबको योग दिवस की बहुत बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं। और योग के बारे में आप सबको गहराई से पता है, हमारे महानगर अध्यक्ष राजेश जी ने योग के बारे में भी कुछ बातें बताई। मैं सबसे पहले आज 6:30 बजे यहाँ आना था और मैं विभिन्न कारणों से मैं स्वयं 25 मिनट विलम्ब से आया हूँ, इसलिए मैं आप सबसे, योग एक साधक साधना का केंद्र है जिसमें हर नियम से माना जाता है और मैं स्वयं आज विलम्ब से आया हूँ, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्राप्त हूँ। योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसको दुनिया के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की थी। आज दुनिया के लगभग सभी देश योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाते हैं और योग भारत की धरती पर से, विशेषकर गोरखपुर की धरती से, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी, शिवावतारी गुरु गोरखनाथ जी ने योग को पूरे दुनिया में प्रतिष्ठापित किया था। आज गोरखपुर महानगर के हमारे सभी कार्यकर्ता, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी और दीनदयाल नगर मंडल के अध्यक्ष सिद्धांत घोष और उनकी पूरी टीम के साथ यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हमसे यहाँ उपस्थित हुए और योग दिवस के कार्यक्रम को हम सब यहाँ मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे योग दिवस पर पुराने लोगों से, कैसे क्या करें? योग एक साधना है और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है। मैं आज योग दिवस के अवसर पर सबसे अपील करना चाहता हूँ, इसे जीवन का एक अंग बनाएं और रोज़ योग जरूर करें। एक घंटा
अपने लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए योग साधना जरूर करें।